और इस बीच बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पचपेड़ी में छात्राओं का प्रदर्शन, स्कूली छात्राओं ने किया चक्का जाम। स्कूल और छात्रावास की अवस्था को लेकर चक्का जाम, सड़क के दोनों तरफ लगी लंबी कतार। बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पचपेड़ी में छात्राओं का प्रदर्शन, स्कूली छात्राओं ने किया चक्का जाम। स्कूल और छात्रावास की अवस्था को लेकर चक्का जाम किया गया, सड़क के दोनों तरफ लंबी कतार लगी है। तो बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ छात्राओं की तरफ से चक्का जाम किया है, नारे लगाते हुए नजर आ रही है, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। पचपेड़ी में यह प्रदर्शन किया जा रहा है छात्राओं की तरफ से, स्कूली छात्राओं ने चक्का जाम किया। स्कूल और छात्रावास की अवस्था को लेकर चक्का जाम किया गया है। आपको बता दें कि इनकी तरफ से मांग की जा रही है कि स्कूल और छात्रावास की व्यवस्थाएं सुधारी जाए। सड़क के दोनों तरफ लंबी कतार देखने को मिली छात्राओं के इस प्रदर्शन के चलते। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी दुर्गा प्रसाद मिर्धा जुड़ चुके हैं। दुर्गा, आखिर छात्राओं की क्या कुछ मांगे और इनके प्रदर्शन के बाद कितना असर? जी, बिलासपुर के मस्तूरी विकास खंड में छात्रावास के द्वारा, छात्रावास में के छात्राओं के द्वारा शिक्षिका के दुर्व्यवहार और बहुत सारी मांगों को लेकर आज सड़क पे चक्का जाम कर दिया गया था और लेकर बिल्कुल कहीं ना कहीं छात्रावास में जिस तरह से व्यवस्था खराब हो रखी है, इसको लेकर छात्राओं की तरफ से प्रदर्शन किया और हल्ला बोल करते हुए नजर आए। हालांकि इनके प्रदर्शन के चलते सड़कों के दोनों तरफ लंबी कतारें देखने को मिली गाड़ियों की और लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हुई। बहुत शुक्रिया दुर्गा तमाम जानकारी देने के लिए।